हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं जा रही हूँ वेरांडा मूनशाइन। यहाँ पे मेरी फ्रेंड ने ऑर्गेनाइज करी थी अपनी बर्थडे पार्टी, तो मैं ऑटो में बैठ चुकी हूँ। और पहुँचते ही मैंने वहाँ पर बनाई थी टेरेस व्यू की वीडियोस। वहाँ पर इनसाइड सीटिंग भी थी, लेकिन हम टॉप रूफ पर बैठे थे क्योंकि काफ़ी प्लीजेंट मौसम था, तो हम बैठ गए थे। और बैठने के बाद हमने मंगवाए थे डम्पलिंग्स, साथ में पेरी पेरी फ्राइज़ और आइस टी, और साथ में हमने डेजर्ट में मंगवाई थी कुलेट फज। खाना मुझे काफ़ी एवरेज लगा, तो मैं इसको दूंगी 5 out of 10। और डेज़र्ट मुझे बहुत मीठा लगा अपने अकॉर्डिंग, तो मैं डेज़र्ट को दूंगी 4 out of 10। तो जो ये मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, ये अभी इवनिंग व्यू है। उसके बाद हमने क्लिक करी थी कुछ फ़ोटोज़, कुछ मेमोरी क्रिएट करने के बाद। फ़ोटोज़ खींचने के बाद हम निकल गए थे घर के लिए। अंधेरा भी हो चुका था और बहुत ठंड लग रही थी। घर पहुँचने के बाद मैंने सीधा करे कपड़े चेंज और फिर खाया खाना। मुझे एज़ अ फ्रेंड मुझे वहाँ पर इनवाइट करा था। मैं वहाँ पर कोई भी रिव्यू के पर्पस से नहीं गई थी। उसका जो बर्थडे था वो बेसिकली दिसंबर में आता है, लेकिन कुछ इश्यूज़ की वजह से वो डिले हो रहा था। कभी मेरे एग्ज़ाम थे तो कभी कोई प्रॉब्लम। तो बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहती थी कि तो इसलिए है क्योंकि एज अ ब्लॉग मैंने इसे शूट करा है, और थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने इसके लॉन्ग वीडियो की तरह ही मैंने थोड़ा बहुत इस कैफ़े का रिव्यू भी दिया है। कैफ़े डिसेंट है, एम्बियंस भी अच्छा है और सिटिंग भी बहुत अच्छी है। लेकिन अगर यही बात मैं करूँ खाने की, तो खाना इतना अच्छा नहीं है अकॉर्डिंग टू मी। अगर आप वहाँ पर जा रहे हो तो बिल्कुल भी रोज़ डम्पलिंग्स ट्राई मत करना। यू कैन ट्राई मोहितो, इट्स वेरी गुड। और वहाँ पर आप पिज़्ज़ा भी ट्राई कर सकते हो, तो वो भी अच्छा था। पिज्ज़ा की फ़ोटो मैंने नहीं शेयर करी क्योंकि मैं वो क्लिक नहीं कर पाई थी। तो होप यू लाइक द वीडियोज़ गाइज़। बाय बाय एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़।